आप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नदौन की जनता को मैं कहना चाहता हूं, राहुल बाबा तो आएंगे नहीं, वो पदयात्रा में है, परंतु जो भी कांग्रेसी वोट मांगने आता है उसको कहना, जरा वन रैंक वन पेंशन का 40 साल का हिसाब लेकर तनिक आना भैया, तब जाकर नदौन वाले वोट देंगे। नदौन की जनता को मैं पूछना चाहता हूं, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जरा जोर से बोलिए, जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक राज किया और जवाहरलाल नेहरू जो धारा 370 की भेंट देकर गए थे उसको अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहलाते रहे। और हमारा कश्मीर इतने सालों से भारत के साथ अपना अखंड और अटूट रिश्ता बनाने में विफल रहा। आप लोगों ने हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी को दे दी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को एक झटके में धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। ये कांग्रेसी सारे पार्लियामेंट में जब मैं बिल लेकर गया कहते हैं मत हटाओ, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने जगमगाता कश्मीर हमने बनाया है। मित्रों, आप मुझे बताओ भाई, आतंकवाद पर करारा प्रहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया सारे घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। और कांग्रेस में जो बैठे थे, दिल्ली की सत्ता पर उनकी हिम्मत नहीं थी अपने मुंह से उफ करने की। 2014 में परिवर्तन हुआ, मोदी जी आए, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, उरी और पुलवामा पर हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं भाइयों बहनों, 10 ही दिन में देश के प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को हुक्म दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एयर स्ट्राइक करकर आतंकवादियों के फुर्चे फुर्चे उड़ाने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने। और उस दिन से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत की सेना और भारत की सीमा दोनों के साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। माताओं भाइयों बहनों, आप मुझे बताओ, हिमाचल वालों, नादौन वालों, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था,
वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कई सालों से, 550 से ज्यादा वर्षों से देश भर के लोग, दुनिया भर के आस्थावान लोग चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण। लाखों लोगों ने एक काम के लिए अपने जीवन का आहुति दिया, मगर तुष्टिकरण की राजनीति के कारण एक कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाती थी। हमें ताना कसते मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, तिथि चली भी गई और 2024 में अयोध्या चले जाना, गगनचुंबी राम मंदिर वहां दिखाई पड़ेगा।